अगर हम देखें एनिमल्स या ह्यूमंस में तो एक मेल होता है और एक फीमेल होता है इसी से रिलेटेड पर होता है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट जिसके बारे में में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हैं वेलकम बैक टू बंसल बायोलॉजी आइए देखते सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट क्या होता है सबसे पहली बात ट्रेट क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई भी चीज है जैसे कि मैंने कहा मेरे पास नोज है तो नोज लंबी है या फिर छोटी है तो हम इसको ट्रेट कह सकते हैं आखि काली है या फिर ब्राउन है तो ये ट्रेट है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड का मतलब क्या है कि डिपेंड हो रही है हमारा जेंडर कैसा है कि अगर यहाँ पर मेल जेंडर होगा तो उसमें हो सकती है कि वो चीज आई जाए और फीमेल अगर होगी तो हो सकता है कि वो जो ट्रेट है वो उस फीमेल में दिखे ही ना कहने का क्या मतलब है अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो ये किस पे डिपेंड होता है ये प्रेजेंट का होता है ऑटोजोमल जीन होता है ऑटोजोमल जीन का मतलब क्या है कि ह्यूमंस के पास जैसे मैंने कहा 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो 46 में से 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऑटोजोमल क्रोमोजोम्स होते हैं और दो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं तो यहां पर ये जो जीन है ये जो सेक्स इन्फ्लुएंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो जीन कहाँ प्रेजेंट होगा ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होगा सबसे पहली बात तो यहां पर अब दूसरी बात ये है कि यहां पर ये जो जीन होगा ये डिपेंड करेगा कि फीमेल में है या मेल में है हो सकता है कि वो फीमेल में ज्यादा एक्सप्रेस हो मेल्स में कम हो या फिर मेल्स में ज्यादा हो फीमेल्स में कम हो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकती हूँ बियर्ड एंड गोड्स का यहाँ पर हम बियर्ड एंड गोट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर गोट्स में मेल होगा और फीमेल होगी मैंने कहा ये जो बियर्ड है वो मेल के केस में कैसी होती है डोमिनेंट होती है और वही फीमेल के केस में कैसी होती है रिसेसिव होती है अगर डोमिनेंट कंडीशन में होती है तो हमें पता है कि वो चीज एक्सप्रेस होगी भले ही वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो या फिर कंडीशन में प्रेजेंट हो दोनों ही कंडीशन में वो क्या होने वाली है एक्सप्रेस होने वाली है अपने जो रिजल्ट है वो शो करेगा वो अलील जो है भले ही कुछ भी हो जाए अपने रिजल्ट शो करेगा लेकिन रिसेसिव में सिर्फ और सिर्फ होमोजाइकस कंडीशन में वो अपने रिजल्ट शो करेगा जैसे कि मैंने कहा अगर यहां पर कैपिटल बी भी यहां पे है बियड और ये स्मॉल बी क्या बता रहा है अलील अगर ऐसा प्रेजेंट है तो आपके पास बियड होगा पर अगर हम यहां पे देखें अगर ये होमोसाइकस कंडीशन में तो फिर तो दोनों के पास बियर्ड होगा इसके पास भी होगा इसके पास भी होगा लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में आ गया है तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास बियर्ड होगा इसके पास नहीं होगा रीजन कि ये सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में बियर्ड शो करेगी क्योंकि तो इसके लिए रिसेसिव है अगर मैंने कहा ऐसी कंडीशन प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही बियर्ड नहीं शो करेंगे यहां पर ये बी तो प्रेजेंट होना चाहिए तभी बियर्ड शो कर पाएंगे तो यहां पर इस कंडीशन में दोनों ही ने शो किया होमोजाइगस कंडीशन है इसमें हटीरोजाइगस है तो सिर्फ मेल ने शो तो ये वाला जो पॉइंट है ये ये पे हो रहा है है वाला जो की कंडीशन कि मेल्स में तो शो कर रहा है बियर्ड लेकिन फीमेल में नहीं कर रहा है तो यहां पर क्या हो गया सेक्स इंफ्लुएंस्ड हो गया यहां पर इस कंडीशन में क्या हो चुका है सेक्स इंफ्लुएंस्ड हो चुका है तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट क्या होता है सिंपल सी बात है एक ट्रेट है लेकिन फीमेल और मेल में अलग तरीके से एक्सप्रेस हो रहा है एक में डोमिनेंट है तो हैटीरोसाइकस और होमोसाइगस दोनों कंडीशन में आएगा और एक में रिसेसिव है तो सिर्फ होमोसाइगस कंडीशन में आएगा सो आई होप गाइस दिस वीडियो वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डॉन्ट फर्गेटेट टू सब्सक्राइब माइ चैनल शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच काइज बो बाइटिंग